नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त आप सभी लोग, एक घटना है जो बहुत बड़ी है, कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और उनकी हत्या का मामला जो कि देख रहे हैं आप, उसकी कवरेज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक मामला मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मुजफ्फरपुर का मामला है जहाँ पर एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार भी किया और बाकी लोगों की अभी तलाश जारी है। लेकिन इस घटना को कवर करने के मामले में पत्रकार को भी नोटिस देने की बात की जा रही है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने इस घटना को कवर करने वाले YouTube चैनल के पत्रकार ने हमसे जानना चाहा कि आखिर इसमें लीगल कंप्लायंसेस क्या हैं और उनसे कहाँ मिस्टेक हुई। पहले उन्होंने घटना विस्तार से बताई जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जब उनको खबर मिली कि इस तरह का एक मामला है तो वो पीड़ित के घर पहुँचे। उस वक्त पे वहाँ पर बहुत सारे लोग जो नेता या फिर आसपास के प्रभावशाली लोग थे वो मौजूद थे। उन्होंने इस घटना का जिस तरह से बयान किया, उन्होंने कहा कि बच्ची को उसके प्राइवेट पार्ट पर 16-17 बार स्टैबिंग यानी चाकू घोप कर मारा गया। इसके अलावा उसके वक्ष स्थल को भी काट दिया। तो इस तरह की जो बात थी वो वहाँ पर सुनी सुनाई बात चल रही थी और यही बात पत्रकार ने रिपोर्ट की। लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। अब इसके बाद वहाँ पर खबर ये फैलने लगी कि जिस भी YouTube चैनल या फिर न्यूज़ पोर्टल या फिर जर्नलिस्ट ने इस तरह की घटना को कवर किया है उनके खिलाफ लीगल नोटिस जाएगा। तो अब यहाँ से पॉइंट शुरू होता है कि आखिर एक जर्नलिस्ट के पास या फिर ऐसे YouTube पोर्टल के पास क्या उपाय हैं, क्या वो गलत थे या फिर वो सही थे। तो इस तरह की घटना में मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी जो खुद भारत के CJI यानी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने दिया था, जब मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ इसी तरह का एक केस हुआ था। उस वक्त मणिपुर में जो हालात थे उसे रीजनल मीडिया ने कवर किया था और उसके बाद 4 पत्रकारों पर मुकदमे हुए। सबसे पहले तो CJI ने इसी बात की फटकार लगाई कि आखिर इस तरह के मामले को वहाँ के हाईकोर्ट ने डील ही क्यों किया, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि पत्रकार फील्ड में जाते हैं, वो कवरेज करते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत रिपोर्ट कर दिया हो सकता है कि एक एक पैराग्राफ में हर लाइन में उन्होंने गलत रिपोर्ट किया हो। इसके बावजूद भी 153A के तहत एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रश्न है। तो ये बात हमारे CJI ने खुद कही। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ फैक्ट कलेक्ट किए हैं और आपने रिपोर्ट किया है और वो उस वक्त के हालातों को देखकर किया, आपको मिल रहे इनपुट के आधार पर आपने वो घटना बयान की, तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया। ये CJI ने खुद कहा कि ये कोई अपराध नहीं है, ये गलत खबर हो सकती है। तो इसी तरह से आपके पास एक पॉइंट है कि आपने अगर उस तरह की रिपोर्ट कर दी है तो आप डरे नहीं, आप लीगल नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, आप लीड इंडिया से भी संपर्क कर सकते हैं, लीड इंडिया की जो लॉ विंग है उसके द्वारा आप लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपसे इस तरह की रिपोर्ट हो गई, कोई फैक्ट गलत हो गया, जैसा कि ये कहा गया कि उस बच्ची के साथ किस नृशंस तौर पर हत्या हुई, कैसे स्टैबिंग करके मारा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं था, तो आप एक नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं जिसमें आप दोबारा से पूरी घटना को एक्सप्लेन करें कि इस तरह से ये घटना हुई और उस वक्त मौजूद लोगों ने इस तरह की बात कही और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये साबित हुआ कि बच्ची की हत्या हुई, गला घोट कर हत्या हुई, लेकिन बलात्कार भी हुआ और इस तरह से स्टैबिंग या चाकू घोप कर हत्या नहीं हुई। तो ये बात आप सेकंड अपनी फॉलो अप स्टोरी में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पुलिस की बाइट मिलती है तो वहाँ पर आप बाकायदा इस पर मुजफ्फरपुर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई कि इस तरह की गलत बयानी की है मीडिया में, तो आप उनका बाइट लीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि अब क्या फैक्ट है, उस वक्त ये फैक्ट था, अब आप बताइए क्या फैक्ट है। तो आप फॉलो अप स्टोरीज़ बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप ऐसे फर्जी मामले में नहीं फंसाए जा सकते कि अगर आपने इस तरह की कोई खबर की है जिसमें आपसे कोई फैक्ट गलत हो गया है तो अब आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा या फिर आपको जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ थोड़ी सी समस्या है कि वो लीगल पॉइंट पर थोड़े से एक उस पर उनका एक लूप होल है कि उनके पास प्रेस आई कार्ड नहीं होता, उनके पास आधिकारिक तौर से इस तरह की कवरेज करने का अधिकार नहीं है। तो उनके लिए एक रास्ता और है कि वो लीड इंडिया के साथ टाई अप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़कर वो अपना चैनल चला सकते हैं और प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपके सवाल को नेक्स्ट वीडियो के लिए शामिल करेंगे और आपके सवाल का उत्तर ज़रूर देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।